हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनवीएस पीजीटी फिजिक्स जो कि 2022 में हुआ था। इस पूरी वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। एक्चुअली जो पूरा पेपर था एनवीएस पीजीटी फिजिक्स, उसमें 80 क्वेश्चन थे फिजिक्स के। तो इन 80 क्वेश्चंस को हम चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो दिस विल बी द पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ प्रेशर। देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, या फिर थ्रस्ट अपॉन में एरिया, या फिर थ्रस्ट अपॉन में एरिया। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्ट्रेस। स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आप ये देखो, यहाँ पर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, प्रेशर ही थ्रस्ट अपॉन एरिया है, और प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ से जो स्ट्रेस है और प्रेशर है, इन दोनों का तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। हमें बताना है किसका नहीं है सेम। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है बी इक्वल टू माइनस स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैं डेल्टा वी अपॉन वी लिख सकता हूँ, माइनस साइन आएगा इसलिए। अब यहाँ पर देखो, जितने भी स्ट्रेन होता है ना, उसका कोई डायमेंशन, वो सब डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेन हमेशा डायमेंशन लेस होती है। तो जो बल्क मॉडुलस है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो स्ट्रेस का है। देखो, चाहे यंग्स मॉडुलस हो चाहे बल्क मॉडुलस हो, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस के या प्रेशर के ही डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये भी ठीक नहीं है ऑप्शन। अब थ्रस्ट देखते हैं। देखो, मैंने बताया आपको प्रेशर बराबर थ्रस्ट अपॉन में एरिया है, तो जाहिर सी बात है आप थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड करके तब प्रेशर मिल रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर और थ्रस्ट का डायमेंशन फॉर्मूला अलग होगा ना। कितना अलग होगा मैं ये भी बताता हूँ। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक तरह की फोर्स होती है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का ML² ML T - 2। और प्रेशर कैसे निकलेगा? फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि ML T - 2 को L² से डिवाइड करोगे तो ML - 1 T - 2 आएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है प्रेशर और थ्रस्ट का डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थ्रस्ट। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि E अपॉन में V। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ML² T - 2। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L³। तो इसका आप निकालोगे तो ML - 1 T - 2 आ जाएगा। तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला वही आ रहा है जो कि प्रेशर का होता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 3। वैसे तो डायरेक्टली आप बस ये फॉर्मूला लगा करके प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया से पता चल रहा है कि प्रेशर और थ्रस्ट का अलग होगा, बट मैंने हर किसी का डिस्कस कर लिया कि किसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और ये फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आपको ये बताने कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पहले मैं आपको RC बताता हूँ। RC क्या होता है? RC को हम बोलते हैं, जब RC सर्किट है तो इसमें RC होता है टाइम कॉन्स्टेंट। तो RC का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो T के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मान लीजिए आपके पास LR सर्किट है, L मतलब इंडक्टर, L रेजिस्टेंस R। अगर आपके पास LR सर्किट है तो LR सर्किट में L अपॉन R जो होता है वो टाइम कॉन्स्टेंट होता है। टाइम कॉन्स्टेंट तो मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। लेकिन अगर मैं R अपॉन L कहूँ, R अपॉन L क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो R अपॉन L दिया हुआ है, तो R अपॉन L का मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में टाइम। और 1 अपॉन में टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो एक बात तो क्लियर है कि R अपॉन L, देखो ये R अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन T इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होगा। तो एक बात क्लियर है कि R अपॉन L का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, या R अपॉन L किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्रीक्वेंसी को, यानी कि A का Q से मिलवा दो, A को Q से मिलवा दो। अब ऑप्शन पे चलते हैं। A का Q किस में आ रहा है? A का Q सिर्फ आ रहा है ऑप्शन 2 में। A का Q आ रहा है सिर्फ ऑप्शन 2 में। तो हमारा यही आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा इतने डिस्कशन से। बाकी भी चेक कर लेते हैं, लेकिन RC मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखो इक्वल टू BC, आप ध्यान रखो इक्वल टू BC, ABC। अब E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो E अपॉन B किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को। E अपॉन B किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को। तो C का R से रिलेट करेगा, देखो C का R से रिलेट कर रहा है और B का P से रिलेट कर रहा है। तो D बचा, वैसे भी देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, V इक्वल टू 1 अपॉन में μ0 ε0। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, μ0 ε0 बराबर 1 अपॉन में V। 1 अपॉन V मतलब क्या हो गया? स्पीड की पावर -1।
तो इसलिए डी जो होगा वो किससे रिलेट करेगा, एस से। तो आप देखो, ए का क्यू, बी का पी, सी का आर, डी का एस। वैसे जब हमारा ए का क्यू ही मिल गया तो बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए के क्यू और किसी में है ही नहीं, तो इतना इजीली आपका आंसर आ सकता था। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट, मतलब उसकी यूनिट तो है लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, जनरली अगर मैं कहूँ तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट भी होगी और डायमेंशन भी होगा, एम एल, डायमेंशन हो जाएगा इसका एम एल स्क्वायर। एंगल, एंगल की अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो होती है रेडियन, लेकिन एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। तो वही तो पूछा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ ए यूनिट, यूनिट तो है लेकिन कोई डायमेंशन ना हो। तो देखो, एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन, लेकिन ये डायमेंशनलेस है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एंगल। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन में एल। तो देखो, डेल्टा एल अपॉन एल करोगे तो इसका ना तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो आएगा, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है, तो इट हैज़ नो यूनिट। तो यूनिट तो होनी चाहिए थी ना, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यंग्स मॉडुलस को भी देख लेते हैं, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के बराबर होगा। तो हमें तो ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं हो, तो वही मतलब एंगल ही होगा, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता लेकिन उसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन, अगर सॉलिड एंगल हो तो उसकी स्ट्रेडियन होती है। नेक्स्ट है, ए स्मॉल बॉल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी इन अ सर्कल रेडियस आर, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज। देखो, अगर कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, लेट उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी वी है, तो देखो ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसमें एक एक्सेलरेशन रहेगा सेंटर की तरफ, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगा, तो ये हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड सेंटर। अब एक रिलेशन आपको पता होगा, वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहाँ पर सब ना जो सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन का फॉर्मूला ओमेगा के टर्म में दिया हुआ है, तो ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी को रिप्लेस कर दो ओमेगा आर से, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। अब देखो कि एक्सेलेशन पूछा था तो किसमें ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों में, लेकिन सही आंसर कौन सा होगा, जिसमें टूवर्ड सेंटर होगा डायरेक्शन, तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा क्योंकि इसमें कहा हुआ है ओमेगा स्क्वायर आर एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर फाइव, द पोजिशन एक्स ऑफ फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट वी हैव गिवन इन टाइम इज इन सेकेंड, ये इक्वेशन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, देखो आपने इक्वेशन तो पढ़ी होगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, लेकिन जब बॉडी में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन तभी तो आता है जब स्पीड वेरिएबल हो, यानी कि स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो ये इक्वेशन हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो। देखो, तीन इक्वेशन होती है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी मैं रिलेट करूंगा इनसे, तो ये इक्वेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट हो और स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो इस इक्वेशन से इससे कंपेयर करो, ये पोजिशन टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो ये तो सेम इक्वेशन होगी, मतलब यहाँ पर स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे आप ये देखो, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट टी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें भी स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर भी टी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, इसमें भी कैसा होगा, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसमें एक्स इजल टू टू टी है, एक्स इजल टू टू टी, तो बचा यही आंसर होगा क्योंकि बाकी सब तो यूनिफॉर्म, बाकी सभी इक्वेशन में स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो एक्स इजल टू टू टी हमारा आंसर होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा बी। लेकिन इसको प्रूफ करता हूँ, देखो आपको पता है वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, तो डी अपॉन डी टी, एक्स का कितना वैल्यू, टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना आएगा, टू, यानी स्पीड कितनी आ गई, टू। स्पीड टू आने का मतलब स्पीड टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, तो स्पीड जब टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। बाकी सबको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको
एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करेगी, वो मैंने आपको डायरेक्टली इससे भी समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, हमें वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है और पूछा है कि एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा फ्रॉम टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 सेकेंड तक। देखो, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा होता तब तो मैं इस वेलोसिटी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट कर देता, लेकिन यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइम है, टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1। मैं इसको T1 मान लेता हूँ और इसको T2। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जब टी इक्वल टू 0 है तब वेलोसिटी कितनी थी, तो वेलोसिटी कब, जब टी इक्वल टू 2 सेकेंड है, माइनस वेलोसिटी जब टी इक्वल टू 0 सेकेंड है। इसको हम डिवाइड कर देंगे T2 माइनस T1 से, तो ये एवरेज एक्सेलेशन होगा। अब देखो, टी इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी की इक्वेशन है 1 + 2T + T2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1.0 को क्यों 1.0 लिखना, टी स्क्वेयर लिखो सीधा इसको। तो जब टाइम की वैल्यू 2 होगी तो ये आ जाएगा 1 + 2 × T। टी की वैल्यू कितनी है 2 + T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो आप ये देखो, ये आ जाएगा 1 + 2 × 2 = 4 + 4, यानी कि ये आ जाएगा 9। अब जब वेलोसिटी आपको टी इक्वल टू 0 पर निकालनी है, तो जो भी ये वेलोसिटी की इक्वेशन है इसमें हम टाइम की जगह पर 0 पुट करेंगे। तब तो आप 0 पुट करोगे तो ये दोनों टर्म तो खत्म हो जाएंगे 0 से, ये भी 0 ये भी 0, तो बचेगा क्या 1 ओनली। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी कितनी जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है, 9। तो 9 माइनस जब वेलोसिटी कितनी है जब टाइम की वैल्यू 0 है, तो वो है 1, 1 डिवाइड बाय T2 - T1, यानी 2 - 0, तो 2 - 0 मतलब 2 ही बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8/2 यानी कि 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन का, 4 m/s², यानी कि ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर हमारे पास देखो दो वेक्टर हैं और आपको बताना है एंगल बिटवीन देम क्या होगा। देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए डॉट बी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा के। तो आपको कोस थीटा निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, तो हम कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, यानी दोनों वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स में ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो, इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें, ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट में जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो हम ऐसे करते हैं कि आई वाले की आई वाले में बस मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, फिर जे वाले की जे वाले में मल्टीप्लाई कर दो, के वाले होते तो के वाले की के में मल्टीप्लाई कर देते। तो डॉट प्रोडक्ट इनका कितना आएगा, ए डॉट बी, तो 2i कैप + j कैप डॉट आई कैप प्लस 4j कैप। तो देखो, आई डॉट आई मैं बता देता हूँ, आई डॉट आई होता है 1 और जे डॉट आई होता है 0, मतलब परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो सिंपली आप ये करो कि आई वाले की आई वाले में मल्टीप्लाई, जे वाले की जे में। तो यहाँ पर कितना है, 2 × 1 यानी कि 2 + 1 × 4, तो यानी कि 4, यानी कि 6 आ गया। अब देखो, ए डॉट बी 6 आ गया, मतलब हमारा जो आंसर आएगा कोस इनवर्स 6/ ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब ये सब क्यों करना, आप ये देखो कि 6 किस में आ रहा है, 6 आ रहा है ऑप्शन 3 में, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, यहाँ पर पुट करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें तो ऊपर से पता चल रहा है कि ऊपर कितना आना चाहिए, 6, वो हमारा आ गया है। वैसे मैं आपको चलो बता देता हूँ ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो उसके कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर + 1, तो आएगा 2 × 2 = 4 और 1 = 5, यानी कि 5। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 16 = 17, तो आ जाएगा 17। अब नीचे आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड, वो हो जाएगा रूट में 5 × 17, जो कि √85 आएगा, और आप √85 को यहाँ रखोगे तो वही आंसर आएगा, कोस इनवर्स 6/√85। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्मॉल बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम 0,0 इन एक्स वाई प्लेन एट टी इक्वल टू 0, मतलब हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से, ओरिजिन से।
और हमें गिवन है कि जो वेलोसिटी है जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो वेलोसिटी होगी 32 i कैप + 14 j कैप। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द बॉल इज, हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी वो आपको बतानी है। देखो सेम क्वेश्चन, मतलब वैल्यू डिफरेंट थी, एक और NVS में आया था। अब इसको कंसेप्ट पहले समझेंगे फिर को बाद में सोल्व करेंगे। देखो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो मान लेते हैं कि वो आप उसको इनिशियल स्पीड दे रहे हो u। अब लेट एंगल थीटा यहाँ पर, तो इस स्पीड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो यू कॉस थीटा और एक वाई जो कि यू साइन थीटा के बराबर होगा। एक और बात, अब देखो इसमें वर्टिकल मोशन अगर देखा जाए, वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सिलेशन होगा वो प्लस माइनस जी के बराबर होगा। जब ऊपर जा रही तो माइनस जी, नीचे आ रही तो प्लस जी, तो एक्सिलेशन प्लस माइनस जी हो गया। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी, ठीक है, वो वेरिएबल होगी। लेकिन आप ये देखो कि जब ये मतलब एक्स और वाई दोनों में प्लेन में मूव करता है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है, तो उसमें एक्स और वाई दो दो मोशन होते हैं। तो क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, जो भी फोर्स लग रही है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगती है, यानी कि डाउनवर्ड लगती है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं फोर्स जीरो होगी, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन भी तो जीरो होगा। अब जब बॉडी का एक्सीलरेशन ही जीरो हो गया, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट में टाइम, वी माइनस यू अपॉन में टी। जब एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो सेम है, वो कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट। कौन सी वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। तो मैं एक कंसेप्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, अगर मान लो एंगल थीटा यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन से, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, जो भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वेरी करेगी। अब हमें किसी टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी गिवन है 32 i कैप + 14 j कैप। अब इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी और ये हो गया वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, कब, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है। अब देखो टाइम की वैल्यू कितनी भी हो लेकिन एक्स कंपोनेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो फिक्स रहेगा। तो मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, यू एक्स बराबर होगा वी एक्स के और ये कितना हो जाएगा 32। आई कैप का मतलब क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी, एक्चुअली यहाँ पर एक्स होगा। तो जो एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी है, यानी कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, किसी भी इंस्टेंट पर आप देखो वो सेम रहेगी 32 यहाँ पर। अब जो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी है वो टी इक्वल टू 1 पर हमें गिवन है 14, वो कितनी है 14, कब, जब टाइम की वैल्यू 1 है। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको फॉर्मूला पता होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ / g। और अगर हॉरिजेंटल रेंज की बात करें, हॉरिजेंटल रेंज का मतलब हो गया ओरिजिन से लेकर के जहाँ बॉल वापस नीचे गिरेगी वहाँ से लेकर के वहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा हॉरिजेंटल रेंज होता है। तो हॉरिजेंटल रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बर, ये एक तरह से डिस्टेंस हो गया किस में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेशन नहीं है, तो सिंपली आप डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे स्पीड इंटू में टाइम। जब स्पीड कांस्टेंट होती है ना तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड यानी कि यू एक्स स्पीड है इस डायरेक्शन में, इंटू में जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी। तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे यू एक्स पता लग जाए, जो कि यहाँ पर 32 ऑलरेडी मुझे पता चल चुका है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे पता चल गया तो मैं रेंज निकाल पाऊंगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, 2u sin θ / g। तो अगर मुझे यू साइन थीटा पता चल गया, यू साइन थीटा क्या होगा, यू साइन थीटा होगा देखो ये, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन पता लग जाएगी और उसमें हम जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे जिससे, तो रेंज निकल जाएगी, वही काम हम करने जा रहे हैं। अब देखो हमें फाइनल वेलोसिटी पता है 14 है, तो आपको ये पता है फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं इसको लगाऊंगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई, लेकिन बॉडी ऊपर जा रही है तो हम क्या मान लेंगे, एक्सेलेरेशन को नेगेटिव, यानी कि माइनस जी इंटू में टी। अब वी वाई कितना है, 14 है इक्वल टू, यहाँ से हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल पाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई माइनस
जी की वैल्यू कितनी है 10 और टी की वैल्यू कितनी है 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 10, ये 10 इधर 14 में आएगा तो एडिशन हो जाएगा, तो यू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। अब देखो हमें यू वाई की वैल्यू पता चल गई है, यू एक्स की वैल्यू 32 यहाँ पर पुट करते हैं हम रेंज निकालने के लिए। यू एक्स कितना है, यू एक्स 32 इंटू में 2 इंटू में यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा की वैल्यू है 24, मतलब वही जो इनिशियल वेलोसिटी है। यू साइन थीटा मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, और जी मतलब 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 153.6 मीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 सही। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। मोहन इज साइकिलिंग ऑन अ लेवल रोड रोड ऑफ रेडियस 8 मीटर, द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज गिवन 0.2, द मैक्सिमम स्पीड विद विच ही कैन साइकिल विदाउट स्लिपिंग इज। तो देखो मान लीजिए कोई लेवल रोड है इस तरह से गिवन है, और इस लेवल रोड का मतलब जो मोड है वहाँ पर रेडियस है आर, और यहाँ पर जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द रोड एंड द टायर इट इज गिवन 0.2। तो ये पूछा कि मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड कितनी है कि कोई भी मतलब जो पर्सन चला रहा है वो फिसले ना। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू रूट म्यू आर जी, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। म्यू की वैल्यू 0.2, रेडियस 8 और जी की वैल्यू 10। तो जब आप इसको सोल्व करोगे वी विल गेट 4 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल ऑफ मास 50 kg स्टैंड ऑन द वेगिंग स्केल इन अ लिफ्ट विच मूविंग डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रीडिंग ऑफ द वेगिंग स्केल है। देखो जितने भी आपको आंसर दे रखा है उस सब का यूनिट देखो तो सब किलोग्राम में, यानी कि हमें मास बताना है एक तरह से। अब डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, मतलब हमें रीडिंग बतानी कितनी होगी। डब्ल्यू इक्वल टू होता है एम, एक्चुअली ये अपेरेंट वेट है, एम जी माइनस ए, कब, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड। एक्चुअली जो पर्सन का वेट होता है मतलब एक तरह से नॉर्मल रिएक्शन, जब नीचे आ रही होती है लिफ्ट तो वो कम हो जाता है, और लिफ्ट ऊपर आती है तो तब जब लिफ्ट ऊपर आती है तब जी प्लस ए लेते हैं, फिलहाल हम लेंगे जी माइनस ए। तो एम की वैल्यू 50 और ए जी मतलब कितना है 10, माइनस ए की वैल्यू गिवन है 5, तो हो जाएगा 50 इंटू में 10 में से 5 जाएगा 5। तो ये हमारा अपेरेंट वेट आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक तरह से मास यानी कि किलोग्राम। तो डब्ल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है एम जी, तो हमें एम चाहिए तो डब्ल्यू अपॉन जी। अभी डब्ल्यू क्या, जो अपेरेंट वेट है, जो अपेरेंट वेट है जो हमने निकाला भी यहाँ पर, तो 50 इंटू में 5 अपॉन में जी की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 2, और इसको इससे कर दो तो ये कितना आ जाए 25 किलोग्राम में, यूनिट आएगी किलोग्राम, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 11, हमें दो फोर्स गिवन है, एक एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस में है, और मास है 5 किलोग्राम, आई जे के यहाँ पर यूनिट फैक्टर है, आपको क्या बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। तो देखो आपको पता है फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे नेट फोर्स पता लग जाए, मतलब फोर्स अगर पता हो, तो उसको हम मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन फाइंड कर पाएंगे, तो फोर्स अपॉन मास क्या होगा, एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर फोर्स कितनी होगी, तो अगर मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो देखो फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 16 न्यूटन, तो इसको हम लिख लेंगे आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में 12 न्यूटन जे कैप। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फोर्स आया है, फोर्स आई है उसको डिवाइड कर दो मास से, यानी कि 16 न्यूटन आई कैप प्लस 12 न्यूटन जे कैप, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16 अपॉन में 5 आई कैप प्लस, और यहाँ पर ये 5 मुझे लेना चाहिए किलोग्राम में ताकि आंसर हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आए, और ये 12 अपॉन में 5, और ये आएगा आपका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड निकालना था, वेक्टर फॉर्म थोड़ी ना दे रखी है एक्सेलरेशन की, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई है एक्सेलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, यानी कि 16 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 5 का स्क्वायर,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर हो गया 256 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144 अपॉन में 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 400 अपॉन 25, और 25 को 400 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 16। अब 16 का अंडर रूट कितना होगा, 4, यानी कि आंसर मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसको हटा दो इसको हटा दो, बचे हमारे पास दो ऑप्शन अभी। अब हम निकालेंगे एंगल कितना होगा। देखो एंगल जैसे फोर्स का निकालो या एक्सीलरेशन का निकालो, रहेगा वो सेम ही। तो काम करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर बोला है एक्सीलरेशन की बात हो रही, तो एक्सीलरेशन के लिए ही हम लिख लेते हैं इसको इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन, एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में, और इधर मैं लूंगा एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में, और लेट ये नेट एक्सीलरेशन है ए, और लेट यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है। हमें क्या करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है विद एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या मान लिया, ये नेट एक्सीलरेशन है और लेट ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब यहाँ पर अगर मैं इसको टेन थीटा लिखूँ, तो टेन थीटा, देखो सभी में टेन लिख रखा है ना, इसलिए मैं टेन ले रहा हूँ। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा की वैल्यू होगी इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना, ए वाई, बेस कितना, ए एक्स, यानी कि ए वाई को ए एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो टेन थीटा आ जाएगा। हमें निकालना है थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स। अब ए वाई मतलब वाई कंपोनेंट कितना है, तो वो है हमारे पास वाई कंपोनेंट है 12 अपॉन में 5, तो टेन इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय 5, और एक्स कंपोनेंट कितना है, वो है 16 अपॉन 5, 16 अपॉन 5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल कर दो, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 12 अपॉन में 16, या फिर 3 अपॉन में 4, यानी कि थीटा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स 3 अपॉन में 4, और मैग्नीट्यूड कितना आया था, 4। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, टेन इनवर्स 3 अपॉन 4, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। ये क्वेश्चन हाल ही में मैंने 3 अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के एवीएस एनवीएस के प्रीवियस ईयर अपलोड किए हैं, और उनमें भी इस तरह का क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लास 11th में भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास 0.10 किलोग्राम और इसकी स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे पास कोई बॉल है और ये इस तरह से किसी इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और मास है इतना। आपको बताना है इम्पल्स क्या होगा। तो देखो बहुत सारी कैलकुलेशन करेगी करना पड़ेगा, वेक्टर वगैरह रिजोल्व करना पड़ेगा, वो सब मैंने दूसरे वीडियो में किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताता हूँ इम्पल्स निकालने के लिए। यहाँ पर इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वो सब आप करोगे टाइम लगेगा, डायरेक्टली एक फॉर्मूला ध्यान रखो, टू मास ऑफ द बॉल इंटू में वेलोसिटी ऑफ द बॉल इंटू में कॉस थीटा। लेकिन ये थीटा जो होना चाहिए, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, रे कह लो या पाथ कह लो, और जो नॉर्मल है उनके बीच का एंगल थीटा होगा यहाँ पर। तो इम्पल्स डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, 2 mu cos थीटा। एक्चुअली यहाँ पर जो इम्पल्स होगा ना वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो ट्वाइस मास की वैल्यू कितनी है 0.10, और यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है हमारे पास 5 cos थीटा। कोस थीटा यानी कि cos 37। अभी cos 37 की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो हमें गिवन है 10 37। 10 37 का मतलब ये हो गया कि लेट ये एंगल अगर 37 है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो मतलब परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, तो ये कितना आएगा, हाइपो 5 आएगा। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं cos 37 की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपो यानी कि 4 अपॉन में 5। ये 4 अपॉन 5 में cos 37 की वैल्यू आ गई, तो इम्पल्स आएगा 2 × 0.10 × 5 × 4 अपॉन में 5। 5 से 5 कैंसिल, 2 × 4 तो 8 आएगा, और 0.10 के मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 0.80। तो हमारा सही आंसर आएगा 0.80। एक्चुअली यहाँ पर जो भी मोमेंटम में चेंज होगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज आता है, वाई डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दिया है। डिटेल के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच कर दूंगा जहाँ पर इसको मैंने डिटेल में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर हमें 4 मास दे रखे हैं और टेंशन उनके बीच में T1 T2 T3। हमें निकालना है कि T2 अपॉन T3 कितना होगा अगर इन चारों को एक धागे से जोड़ा जा रहा है और हम 56 न्यूटन की कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो जब इसको सभी एक धागे से बांधा गया है तो इन सब का सेम एक्सीलेशन होगा ए,
एक्सीलेशन पहले निकालते हैं कि ये कितने एक्सीलेशन से मूव करेंगे। तो देखो फोर्स बराबर होता है मास इंटू में एक्सीलेशन, और अगर किसी बॉडी पर आप नेट फोर्स देखो तो वो हमेशा मास इंटू एक्सीलेशन के बराबर आएगा। अब जो हम इन सब पर मिलाकर के फोर्स लगा रहे हैं वो है 56 न्यूटन की। इन सब का मास अगर हम लें जो कि 2 + 4 + 6 + 16 के बराबर होगा और मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलेशन से, तो एक्सीलेशन कितना आ जाएगा 56 अपॉन में ये 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 16, तो हमें मिलेगा 28। तो 28 को यहाँ पर लिया, अब 28 × 2 = 56 होता है यानी 2 m/s². तो हमें एक बात तो पता चल गया कि इन सब का एक्सेलेशन कितना होगा 2 m/s². हमें T2 / T3 फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं पहले T2 निकालेंगे फिर T3 निकालेंगे फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो T2 कैसे निकालें, अब देखो T2 जो टेंशन होगी वो, अब आप इस ऑब्जेक्ट को दोनों को मिलाकर जब इधर खींच रहे हो तो इस वाले धागे में यहाँ पर मान लेते हैं कुछ टेंशन आ जाएगी T2 जो कि इस तरफ होगी। अब हमारे पास एक कैसा मैम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमारे पास टेंशन T2 इस तरफ है, और देखो जब हम 56 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो वो इन दोनों मासेस पर लग रही होगी शुरू में, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर दोनों मासेस को एक साथ कंबाइन करके लिखूंगा, एक का मास है 6 और दूसरे का मास है 16, और इधर 56 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब इन दोनों पर जो नेट फोर्स होगी, इन दोनों पर मैं कह रहा हूँ इन दोनों पर जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, जो आप फोर्स लगा रहे हो 56 माइनस जो इस तरफ टेंशन लग रही है माइनस टी, अब एफ नेट कितना होगा, तो एफ नेट बराबर होगा आपको पता मास इंटू एक्सेलेशन होता है, तो एफ नेट मतलब मास। अब मैं मास इन दोनों का लूंगा तो 16 + 6 मुझे लेना पड़ेगा जो कि कितना आएगा, तो 16 + 6 मतलब 22 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेशन कितना है 2, एक्सेलेशन तो सबका सेम होगा 2, 56 माइनस अभी टेंशन क्या है T2, तो T2, तो यहाँ से देखो T2 हम इजिली निकाल पाएंगे 56 - 44, 56 - 44 यहाँ से हमने फाइंड करा कि T2 की वैल्यू 12 न्यूटन आ गई, T2 इक्वल टू कितना आ गया 12 न्यूटन। अब हम T3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो T3 के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ यहाँ पर तो T3 इस तरफ लग रहा होगा, यानी कि इसके लिए मैं बस इतना सिस्टम कंसिडर करूँगा T3 जिसमें इस तरफ है, ये हमारा मास है जिसका मास है 16 kg, और इस पर फोर्स लग रही है 56 न्यूटन की, तो अगेन नेट फोर्स ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, जो इसका मास होगा यानी कि 16 मल्टीप्लाई जो इसका एक्सेलेरेशन है यानी कि 2 मास इंटू एक्सेलेरेशन, अभी किसके बराबर होगा, तो देखो 56 न्यूटन फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं टेंशन इस तरफ लग रही है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 56 - के T3, तो इस इक्वेशन से हम T3 इजिली निकाल पाएंगे जो कि आएगा 56 - 32। 56 में से 32 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 तो यहाँ पर आएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 24 न्यूटन हमारे पास टेंशन T3 आ गई है। रेशियो क्या चाहिए, T2 / T3, T2 / T3, तो T2 कितना आया 12 और T3 कितना आया 24 यानी कि 1/2, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 1/2 रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉक्स ऑफ मास 0.6 kg इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल बाय फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। देखो यहाँ पर ये मास है, एक बॉक्स है इसका मास गिवन है और इसको हम 12 न्यूटन की फोर्स से इस तरफ प्रेस कर रहे हैं। द कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड अ वॉल इज 0.6। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एग्जर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉक्स इज, यानी कि जो वॉल होगी वो बॉक्स पर कितनी नेट फोर्स लगाएगी ये हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक को इमेजिन करूँ तो ब्लैक ब्लॉक पर एक हम 12 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, और इस ब्लॉक पर जैसे वो ये वॉल से अटैच था तो वॉल इस पर एक इतनी ही फोर्स इस तरफ लगाएगी जो कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगी, मैं उसको 12 न्यूटन बोल रहा हूँ। इस ब्लॉक पर एक नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा होगा, वेट बराबर कितना होता है mg, तो वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो वेट कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। अब इस वेट को एक अपवर्ड फोर्स बैलेंस करेगी जो कि यहाँ पर होगी फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है, और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 न्यूटन के बराबर, ताकि बॉक्स नीचे ना गिरे, ठीक है, तो ऊपर की फोर्स आ गई 6 न्यूटन। अब आपको ये बताना है कि जो वॉल है वो बॉक्स पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रही होगी,
जो वॉल है वो बॉक्स पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रही होगी। तो देखो, एक तो जो ये दीवार है इस पर बॉक्स पर 12 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगा रही होगी, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था। ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया किसका, बॉक्स का, अब मैं बना रहा हूँ वॉल का। दूसरा, ये जो वॉल है ये फ्रिक्शन फोर्स लगा किस पर रही है, ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है इस बॉक्स पर, ठीक है। तो इस वॉल, ये जो वॉल है इस बॉक्स पर एक और फोर्स लगा रही है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स, और वो कितनी है, 6 न्यूटन की। 6 न्यूटन की क्यों, क्योंकि वो वेट के बराबर होनी चाहिए। तो देखो, एक फोर्स हो गया हमारे पास 12 न्यूटन और एक फोर्स हो गया हमारे पास 6 न्यूटन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वही होगा हमारा आंसर, वही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय वॉल ऑन द बॉक्स। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो क्या हो गया, तो देखो दोनों फोर्स यहाँ पर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस में 6 6 36। तो जब आप इसको सोल्व कर देखो, वैसे 12 और 6 जो भी आंसर आएगा वो आएगा 12 से ज़्यादा, तो 12 से ज़्यादा मतलब कि, और देखो ये 6 बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मतलब नियर अबाउट 12 तो आंसर आएगा नहीं, 6 भी आंसर नहीं आएगा। 144 प्लस 36, और उसको जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 13.4 के आसपास। तो हमारी जो नेट फोर्स लग रही होगी ऑब्जेक्ट पर, सॉरी, जो नेट फोर्स वॉल लगा रही होगी ऑब्जेक्ट पर वो होगी 13.4 न्यूटन। नेक्स्ट है, किसी बॉल का मास आपको गिवन है और ये इसको हम हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवा रहे हैं, हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवा रहे हैं, और इसका रेडियस है 1 मीटर। तो बॉल की स्पीड भी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि वर्क डन ऑन द बॉल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन। देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए देखा जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना आएगा, 0। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। अ स्प्रिंग ऑफ मास एम इज हंग फ्रॉम द रिजिड रूफ ऑन अटैचिंग अ मास ऑफ 20 किलोग्राम फ्रॉम द स्प्रिंग, द पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग इंडिकेट 50 सेंटीमीटर। मतलब कि जब मास 20 किलोग्राम है तो जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो पोजिशन है, मैं पोजिशन लिख रहा हूँ एक्स को, तो वो 50 सेंटीमीटर है। अब बाद में क्या हो रहा है कि जब आप इसको 40 किलोग्राम से अटैच कर रहे हैं तो अब डिस्प्लेसमेंट हो गया 75 सेंटीमीटर में, और अब हम यहाँ पर पी मास को अटैच कर रहे हैं तो जो पॉइंटर हो गया वो 60 पर आ गया है। यहाँ पर एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 मीटर पर सेकेंड यूज कर सकते हैं हम। तो आपको बताना है कि पी की वैल्यू कितनी होगी। देखो स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग जितनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, और एफ इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस के इंटू में एक्स के, ठीक है। फोर्स बराबर किसके होगा, के इंटू में एक्स। लेकिन एक्स क्या होता है, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन कह सकते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। तो आप कितना भी मास इस पर अटैच कर लो विद इन द इलास्टिक लिमिट, जो के की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो मुझे पी निकालना है। अब के क्या हो जाएगा, देखो के को मैं इस तरह से लिखूंगा, चेंज इन फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा एक्स में लिख सकता हूँ। तो आप भले इसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे हम, और एक बार हम इस इन दोनों के लिए इक्वेशन बनाएंगे। दोनों के लिए जब आप के निकालोगे तो के की वैल्यू सेम आएगी। देखो कैसे, जैसे अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूँ, ये फर्स्ट और इसको बाद में कंसिडर करेंगे, अगर मैं फर्स्ट दो केस को कंसिडर करूँ तो के की वैल्यू कितनी आएगी। देखो फोर्स बराबर क्या होता है, एम जी, यहाँ पर चेंज इन फोर्स कितना हो जाएगा, M2 माइनस M1 इंटू में जी डिवाइड में जो भी उनकी पोजिशन का डिफरेंस, यानी कि X2 माइनस X1 में कर दूंगा यहाँ से। अब M2 माइनस M1 कितना आएगा, तो वो आएगा 40 माइनस 20 अपॉन में 75 माइनस 50 इंटू में जी, जी की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 20 G अपॉन में 25। तो K की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 20 G अपॉन में 25। G की वैल्यू 10 बाद में पुट करेंगे। अब एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं इन दोनों का यूज करके। तो यहाँ से देखो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी अगर आप उस पर मास डिफरेंट अटैच कर रहे हो। तो मैं इसलिए यहाँ से फिर से K निकालूंगा और दोनों को हम बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फोर्स, अब इसको M3 मान लेते हैं, इसको M1, तो M3 माइनस M1 इंटू में जी डिवाइड में, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर X3, एक्चुअली मास M3 ये है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर X3 माइनस X1। तो M3 माइनस M1 मतलब
मास यानी कि पी मास है यहाँ पर, तो पी माइनस 20, पी माइनस 20 इंटू में जी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन हो जाए 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 इक्वल टू के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी माइनस 20 इंटू में जी डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 10। अब देखो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पर और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये सेम रहेंगे दोनों ही केस में, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, बदलेंगे नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो के की वैल्यू पी माइनस 20 अपॉन 10 इंटू जी है, और यहाँ पर जो के की वैल्यू 20 जी अपॉन 25, इन दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं, क्योंकि के तो के ही रहेगा ना, तो 20 अपॉन 25 जी बराबर किसके आ जाएगा, पी माइनस 20 अपॉन में 10 इंटू जी के। सबसे पहले तो जी को हटा दो, हट गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से दोनों को डिवाइड करते हैं, ये 5 आएगा और ये आएगा 4, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करते हैं और छोटा, 5 को 10 से, 10 को 5 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। अब 2 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 8 इक्वल टू पी माइनस 20, हमें तो पी चाहिए, तो कितना हो जाएगा 28। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2, 28। ठीक है, तो हमने दोनों मतलब के निकाला दोनों इक्वेशन से, क्योंकि दोनों इक्वेशन से के इक्वल होगा, तो इसलिए हम दोनों को इक्वल पुट किए ताकि हमारी पी की वैल्यू आ जाए। आप वैसे इन दोनों के बीच में भी इक्वेशन बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 था, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ किसके बराबर हो जाता है। देखो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम तो पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि ये कहती है कि वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा सही आंसर होगा 17 का ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 30 न्यूटन की, और टाइम और रूट एक्स में रिलेशन हमें गिवेन है। आपको बताने की अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा जब टाइम की वैल्यू 3 से 6 सेकंड के बीच में है। तो जनरली आपको पता होगा जब फोर्स कांस्टेंट है तो जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन दे रखा है, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना हो तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ में एफ डॉट डी एक्स। अब देखो फोर्स यहाँ पर कितनी है, 30 न्यूटन, डी एक्स मुझे नहीं पता, तो 30 को तो पहले बाहर निकालो, डी एक्स को अभी रखो अंदर। एक्चुअली हमें टाइम कैसे वेरी कर रहा है वो दिया हुआ है, तो हम एक कोशिश करेंगे डी एक्स को फाइंड करेंगे डी टी के टर्म में कि कितना होगा, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो कैसे, देखो टी इक्वल टू कितना है, रूट एक्स प्लस में 3। पहले तो रूट हटाओ वरना दिक्कत देता है, तो रूट को मैं कैसे हटा सकता हूँ, इसको ऐसे लिख लो टी माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स, अब कर दो स्क्वायर दोनों तरफ, जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा और यहाँ पर आ जाए 3 मतलब टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ पर डी एक्स आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी करते हैं, काम करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या आएगा, टी माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जब आप टी माइनस 3 का होल स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे आप एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएट करो, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स की पावर एन तो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर जो होगी वो तो आगे आ जाती है और टी माइनस 3, फिर आप अंदर डिफरेंशिएट करोगे टी माइनस 3 का, तो टी माइनस 3, टी 3 तो कॉन्स्टेंट उसका 0 आएगा, डी टी अपॉन डी टी का 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं लिख सकता हूँ 2 टी माइनस 3, ये क्या आ जाएगा डी एक्स, और डी टी को इधर लाओ तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में टी माइनस 3 डी टी। तो मैंने डी एक्स की वैल्यू डी टी के टर्म में फाइंड कर ली है। देखो अगर हमें ये पता होता कि फोर्स एक्स पर कैसे डिपेंड कर रही है, तब हमें डी एक्स को हटाना ही नहीं पड़ता, लेकिन डी एक्स को हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें टाइम का जो चेंज है वो दे रखा है, टाइम कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो अब इसको वर्क डन इक्वल टू आएगा 30 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू कितनी है 2 टी माइनस 3 और डी टी। अब यहाँ पर डी टी आ गया तो मतलब हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, और लिमिट कितनी चलेगी, इनिशियल टाइम में 3 और फाइनल टाइम में 6 सेकेंड। तो ये 2 को तो बाहर निकालो पहले, 30 इंटू 2 ये आ जाएगा टी माइनस के 3 और डी टी, लिमिट में बाद में पुट कर लूँगा, तो
ये कितना आएगा, वर्क डन इक्वल टू 3 × 2 13, मतलब 60। और देखो इंटीग्रेशन मैं करूँगा पहले t dt, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 dt, और 60 को बाहर रखो अभी। अब देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू आएगा 60 t dt, तो t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वेयर अपॉन में 2, माइनस 3 को तो बाहर निकालेंगे, फिर बचेगा ओनली dt, तो dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t। अब हम लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 3 से 6, तो ये हो गया 60। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो अपर लिमिट कितनी है 6, तो पहले हम यहाँ पर टी और टी टी स्क्वायर और टी की जगह पर 6 रखेंगे, बाद में माइनस फिर टी की जगह पर हम 3 रखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहते हैं उसको। तो टी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर बटे में 2 माइनस 3 × 6, फिर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 3 × 2। तो देखो बस आप इसको सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारी वैल्यू आएगी 270 न्यूटन, 270 न्यूटन मीटर, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ए लिफ्ट दैट कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 700 किलोग्राम इज मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ द लिफ्ट गिवन है 600 किलोग्राम। इफ द मिनिमम पावर दैट इज डिलीवर्ड बाय द मोटर इज 30 किलो वाट, वाट इज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द लिफ्ट। पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये देखेंगे नेट फोर्स होगी कितनी, ठीक है। वैसे अगर मैं नेट फोर्स यहाँ पर निकालूँ तो जो नेट फोर्स लिफ्ट पर लगेगी वो कितनी लगी होगी, लगेगी पावर अपॉन में वेलोसिटी। पावर कितनी है, पावर है 30 किलो वाट। 30 किलो वाट का पैसे लिख लो 10 to the power 3 डिवाइड बाय वेलोसिटी 2, तो ये आ जाएगा 15 × 10 to the power 3। 10 to the power 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 15,000। तो इसका मतलब ये है कि उस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 15,000 न्यूटन, ठीक है। मिनिमम पावर, मिनिमम फोर्स कितनी होनी चाहिए कि हम उस लिफ्ट को ऊपर उठा सकें, तो वो होनी चाहिए 15,000 न्यूटन। अब देखो ये किसके बराबर होगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इतनी फोर्स हमें ऊपर लगानी पड़ेगी, कितनी, 15,000 न्यूटन के बराबर ऊपर फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, तभी तो ऊपर जाएगी। अभी क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि एक तो इस पूरी लिफ्ट का और इसके अंदर जो सामान रखा है उनका जो वेट होगा टोटल, वो डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, और लिफ्ट को ऊपर ले जाने में आप ले जा तो सकते हो लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भी तो अपोज कर रहे हैं, यहाँ पर कहा हुआ है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स, देखो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है, इसका काम ही है मोशन का अपोज करना। तो मोशन अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है। अब जो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रही है 15,000 न्यूटन, नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है किसके बराबर होनी चाहिए, एटलीस्ट, तो वो होनी चाहिए जो टोटल नीचे वेट है, वेट टोटल जो कि डाउनवर्ड है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब एफ नेट कितना है हमारे पास, 15,000 न्यूटन, 15,000 न्यूटन। जो वेट होगा टोटल जो नीचे की तरफ आ रहा है वो हो जाएगा वेट ऑफ लिफ्ट प्लस वेट ऑफ लोड, ठीक है, और प्लस यहाँ पर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, हमें फ्रिक्शन फोर्स ही निकालना है। तो ये 15,000 इक्वल टू वेट ऑफ लिफ्ट, वेट देखो वेट बराबर होता है mg। तो एक काम करते हैं, क्योंकि आपको दोनों मास नीचे की तरफ है ना, तो मास ऑफ लिफ्ट प्लस मास ऑफ लोड कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ लिफ्ट कितना है, मास ऑफ लिफ्ट है 600 और लोड का मास कितना है 700, तो इसकी जी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नेट वेट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 6 13, यानी कि 1300 × g, g है 10, तो ये आ गया 13,000, यानी कि जो टोटल नीचे की तरफ वेट लगेगा वो कितना हो जाएगा, 13,000। ये हमने कैसे निकाला, हमने देखा वेट ऑफ लिफ्ट कितना है और वेट ऑफ लोड कितना है, दोनों नीचे की तरफ था, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स कितनी आएगी, 15,000 में से 13,000 को माइनस कर दो, वही क्या होगी हमारी फ्रिक्शन फोर्स। तो जब आप 15,000 में से 13,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2,000, यानी कि 2,000 न्यूटन फोर्स
फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रही होगी, तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 20, अ सॉलिड डिस्क हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, मतलब हमारे पास एक सॉलिड डिस्क है लेकिन उसका जो मास है वो एक नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा, हमें नहीं पता कहाँ पर कितना है कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है, और हैज़ अ सेंटर ऑफ मास लोकेटेड इन साइड इट, मान लो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है। अब एक होल ड्रिल किया जा रहा है ऑन द डिस्क विच इज़ नॉट नियर द सेंटर ऑफ मास, मान लो हम कहीं दूर जा करके एक होल को हमने ड्रिल कर दिया, तो ड्रिल कर दिया तो ये इतना मास तो हट जाएगा। आफ्टर द होल इज ड्रिल द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क मूव फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन, तो जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा ये आपको बताना है। तो देखो जब मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप इसको जब निकाल रहे हैं तो हमें नहीं पता कि मास कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है जिसके बारे में हम नहीं बता सकते, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है रिमेनिंग डिस्क का वो किसी रैंडम डायरेक्शन में चले जाएगा। तो ये आंसर 20 का आंसर होगा फोर्थ। तो इस वीडियो में हमने शुरू के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये था पार्ट 1 ऑफ एनवीएस पीजीटी फिजिक्स 2022।